चंपावत जिले की बात करेंगे, जहां टनकपुर क्षेत्र में इन दिनों हाथी का आतंक जारी है। हाथी रात में जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आकर ग्रामीणों का रखा हुआ अनाज, खेतों में गन्ना और केला खाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले हाथी ने गैडाखाली गांव में एक मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया था। ध्वालखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि सुंदर बोहरा ने बताया कि पहले भी हाथियों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सोलर फेंसिंग लाइट होने के बाद उसमें करंट नहीं होने की वजह से हाथी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आगे कहा कि इस विषय में वन विभाग के रेंजर से वार्तालाप की जाएगी। साथ ही उन्होंने हाथी का प्रवेश न रोकने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। हालखेड़ा में हाथी का कई दिनों से बहुत ही आतंक फैला रखा है और शाम होते ही गांव में घुस जा रहा है। कई लोगों की यहां पहले भी 3-4 लोगों की गांव में ही हाथी द्वारा दुर्घटना हुई है। फसल वगैरह और आम लीची के पेड़ कई आए दिन रोज जो है उनमें क्षति पहुंचा रहा है।